वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, पजल सॉल्वर। तो आज हम जो पजल आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही फेमस गेम काउंटर स्ट्राइक से ली गई है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टाइम बॉम्ब्स हैं, स्मोक ग्रेनेड्स हैं और फ्रैग्स हैं। इनको हम यूज़ करते थे एनिमीज़ को हराने के लिए। चलिए आज इन्हीं को यूज़ करते हैं इस पजल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहली क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास तीन टाइम बॉम्ब्स हैं, जिसमें हमारे पास टाइमर दे रखा है 10 मिनट का। तो इसकी टोटल वैल्यू है 30 के इक्वल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक टाइम बॉम्ब की वैल्यू आ जाएगी 10, और अगर 10 मिनट का हमारा टाइम बॉम्ब है उसकी वैल्यू 10 है तो एक मिनट के टाइम बॉम्ब की वैल्यू हो जाएगी 1। चलिए फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन पर जंप करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आप सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैग्स हैं और दो मतलब वन पेयर ऑफ स्मोक ग्रेनेड है, जिसकी टोटल वैल्यू है 18। अभी हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड इक्वेशन पे जंप करते हैं। थर्ड इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ्रैग है और एक टाइम बॉम्ब है जिसमें 10 मिनट का टाइमर है, और इसकी वैल्यू हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ चुकी है 10, और इसकी टोटल वैल्यू है 15। तो जब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो हो जाएगी फ्रैग प्लस 10 इक्वल टू 15। जब 10 को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो एक फ्रैग की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास एक फ्रैग की वैल्यू है, एक टाइम बॉम्ब की वैल्यू है। इसको हम पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में जो हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फ्रैग्स हैं और एक पेयर ऑफ स्मोक ग्रेनेड्स है जिनकी टोटल वैल्यू है 18। तो एक फ्रैग की वैल्यू है 5, यहाँ हमने उसको पुट किया तो 2 × 5 हो जाता है 10। 10 को जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 18 − 10, दैट इज़ इक्वल टू 8। तो अगर दो स्मोक ग्रेनेड्स की वैल्यू है 8 तो एक स्मोक ग्रेनेड की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फ्रेंड्स हमारे पास तीनों आइटम्स की वैल्यू आ चुकी है, टाइम बॉम्ब की भी आ चुकी है, फ्रैग की भी आ चुकी है और स्मोक ग्रेनेड की भी वैल्यू आ चुकी है। तो चलिए जंप करते हैं अपनी फोर्थ और फाइनल इक्वेशन पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक स्मोक ग्रेनेड की वैल्यू 4 है, एक फ्रैग की वैल्यू 5 है, और इसमें पीछे आप देख सकते हैं एक और फ्रैग है तो उसकी भी वैल्यू हमने प्लस करके यहाँ 5 लिखी हुई है। और यहाँ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हमारे पास टाइम बॉम्ब तो है पर वहाँ पे 10 मिनट का टाइमर नहीं, 5 मिनट का टाइमर है, तो वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके 5 कर दिया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 5 + 5 = 10। अब बॉड मास के अकॉर्डिंगली ही हमें मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व करना है, तो 10 × 5 = 50, और इसका एडिशन होगा 4 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। और ये पजल भी हमारा हो जाता है सॉल्व। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये पजल पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।